एक बहुत ही खुशगवार आवाज खुदा से मुखातिब है। इसमें कितनी सादगी, सच्चाई और दिलकशी है। मचलती तड़पती लहरों की तरह इस आवाज में भी संगीत और सुरों के जादू भरे समंदर मौजे मारा करते हैं। कुदरत के लामहदूद खुली फिजाओं में, रंगीन नजारों में, पहाड़ों में, वादियों में, मैदानों में ये दिलकश आवाज दुनिया के हर कोने में जगह जगह बिखरी हुई है। वक्त के साथ साथ रफी साहब कामयाबी और कामरानी की मंजिलें तय करते रहे और इस तरह रफ्ता रफ्ता उन्होंने हिंदुस्तान के अजीम गुलोकारों में अपना मकाम पैदा किया। खास तौर से फिल्मी संगीत को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीनत बख्शी और हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसानों के दिलों को अपनी जादू भरी आवाज से मोह लिया। गानों के जरिए रफी साहब का मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से मुखातिब करने का अपना अलग तरीका है, मगर अपने करीबी अजीजों, दोस्तों और फिल्मी साथियों से मुखातिब होने का उनका अपना अनोखा तरीका है, अनोखा अंदाज है। क्या आप जानते हैं? नहीं,